एमपी के गुना राघोगढ़ में विद्युत मंडल रुठियाई के सुपरवाइजर के कारण विजयपुर गांव के 200 व 300 बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 1 तारीख से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। विजयपुर गांव के बच्चे अंधेरे के कारण पूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। रुठियाई विद्युत मंडल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोगों का कहना है कि फसल कटाई होने के बावजूद खाने के लिए 7 किलोमीटर दूर रुठियाई से गेहूं पिसा कर ले जाते हैं और पीने के लिए पानी गांव के बाहर कुओं से भरकर लाते हैं। गांव की इतनी खराब हालत होने के बाद वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रतिनिधि ब्रजेश धाकड़ द्वारा राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं सांसद प्रतिनिधि तथा सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत की गई, जिसका अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। गाँव में जगह जगह केबल टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। किसान जा रहे वैसे आपके सुपरवाइजर से बोला आपने? बोला था क्या कुछ? बोलता है कि वो बोलना तिरंदाज करके चले जाते हैं। ये बोलते हैं कि बिल फाइनल करो तभी लाइट जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। तेरा पेपर आ रहा बच्चों और आपके बच्चों का भविष्य भी, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर लाइट नहीं होगी तो कहाँ से पढ़ाएंगे? उनको लाइट में पढ़ाने के लिए टाइम लगता है ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।